मैं पूजा रानी बोहरा और मैं इंडियन मिडल वेट बॉक्सर हूँ। में जब ओलंपिक चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत मैं अपने गांव में नाम सुन रही थी विजेंद्र सिंह का और अखिल कुमार का। तो अखिल कुमार उस टाइम पे काफ़ी गांव में मतलब इतनी चर्चा हो रही थी उसकी कि उन्होंने ऐसे अपरकट यूज़ किया और ऐसे। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ऐसे ओलंपिक होते हैं और उसमें बॉक्सिंग भी है ऐसे करके। उससे पहले मुझे बॉक्सिंग का कुछ नहीं पता था। उसके बाद 2009 में जब मैं स्कूल पास करके मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे मेरी जो लेक्चरर थी उन्होंने मेरी हाइट देखी और ये सब, तो उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग में आने के लिए बोला। तो तब से मेरा बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट किया और मेरे को करीब 5 दिन हो गए थे बॉक्सिंग में जाते हुए। तो मेरे घर वालों को इतना पता नहीं था बॉक्सिंग के बारे में और मेरे फादर जो हैं वो हरियाणा पुलिस में थे उस टाइम। वो 5 दिन बाद जब घर आते हैं तो उनको पता चला कि इसने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया है। तो वो बोले कि बॉक्सिंग नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग नाम से ही सब बहुत डरते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई भी गेम कर सकते हैं लेकिन बॉक्सिंग नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को 5 दिन हो गए थे। उस दिन ये बात थी कि हाँ, आज नए बच्चों की हम फाइट करवा के देखेंगे। तो मेरे को यूँ था कि आज अगर मैं नहीं गई तो सब सोचेंगे कि ये डर के नहीं आई है। तो मैंने पापा को बोला कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी लेकिन आज मुझे जाना है। तो बोला कि ठीक है, आज चले जा लेकिन आज के बाद बॉक्सिंग बंद, मतलब नहीं करनी है। तो उस दिन मैं कुछ काम कर रही थी, मैं बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी और मैंने बोला कि जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मैं नीचे नहीं उतरूँगी। मैं बैठी रही वहाँ पर 2-3 घंटे लेकिन उन्होंने हाँ नहीं बोला। तो उस टाइम के बाद उस दिन मैं गई और उन्होंने मेरी ऐसे फाइट करवा के देखी। तो उसके बाद मेरे कोच ने मुझे बोला कि मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूँ और उनसे मैं बात करूँगा। फिर उस टाइम पे उन्होंने मेरे फादर से बात करी, उनको कैसे भी करके कन्विंस किया और लास्ट में वो मान गए। मेरी मम्मी जो है उस टाइम पे मेरे को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मम्मी ने जब मेरे से पूछा कि बॉक्सिंग में कौन सा कहाँ पे मतलब मारते हैं, तो मैंने उनको बताया कि फेस से शुरू होकर बेल्ट तक का एरिया होता है। तो वो एकदम से हैरान हो गई थी कि इसके बाद बॉडी में रह क्या जाता है, यही तो है जहाँ पे मतलब मारेंगे तो फिर रह क्या गया। तो उनको डर था कि कहीं मेरे को कोई चोट ना लग जाए। तो ऐसे करके उनको भी मतलब हर रोज़ मेरे को चेक किया जाता था कि जैसे ही मैं ट्रेनिंग करके घर आती थी मेरे को चेक करते थे कि इसको कहीं लगी तो नहीं है। तो उस टाइम पे भी मेरे को चोट कभी कभी लग जाती थी, मेरे दोनों आँखों पे भी लगी हुई है। तो जब मुझे लगती थी तो उस टाइम पे मैं घर नहीं आती थी, क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं मेरी बॉक्सिंग ना छुड़वा दें। तो जब मेरे को चोट लगती थी तो मैं कोच के घर पर ही रहती थी और जो मेरी मतलब कोच की वाइफ है वो मेरे को बोलती थी कि मेरे घर पे फ़ोन करती थी कि आज पूजा नहीं आएगी, आज वो मेरे पास रुक रही है। तो जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती तो मैं उनके घर पर ही रुकती थी। मेरे बॉक्सिंग स्टार्ट करने के 2 महीने बाद ही यूथ स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। में सीनियर स्टेट हुई थी जो कि मेरी सिटी भिवानी में हुई थी और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इतना बॉक्सिंग के बारे में ज़्यादा। और एक लड़की थी जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई थी और उस टाइम पे कोच को यूँ था कि ये 60 kg में नहीं कर पाएगी, इसका 57 kg में करवाते हैं। और उन्होंने मेरा वेट कम करवाया था, करीब मैंने 4 से 5 किलो मैंने वेट कम किया था उस टाइम पे। और उस टाइम ऐसा हुआ था मेरे को वो वेट कम करके इतना लग रहा था कि बॉक्सिंग कितनी हार्ड है। और उस टाइम पे जब मैं उस लड़की के साथ मैंने खेला तो सब मेरे को यूँ बोल रहे कि अब तेरी लाइफ चेंज हो सकती है कि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वर्ल्ड चैम्पियनशिप। लेकिन जब मैंने खेला तो मैं उससे एक स्कोर से मैं उस लड़की से जीती। 2012 में मुझे फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट मिला जो कि एशियन चैम्पियनशिप थी। और उससे पहले भी काफ़ी इवन मेरे को जो हमारे चीफ कोच थे वही मेरे को डिमोरलाइज कर रहे थे कि तू अभी काफ़ी नई है और जो नॉर्मल जो स्पारिंग करते हैं उसको भी देखेंगे और जो जिसकी अच्छी चल रही है उसी का सिलेक्शन होगा। तो वो पहले ही मेरे को मतलब ऐसा डरा रहे थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो पुरानी लड़की है उसी का होगा।
तो उससे पहले हमसे जो बॉक्सिंग के जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो हमसे मिलने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे मैंने प्रेसिडेंट को ही वो बात सामने रख दी कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला जा रहा है और कल मेरी ट्रायल है और मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे। वो बोले कि आप अगर आप जीतोगे तो श्योर आपका ही सिलेक्शन होगा। और हाँ, मैं खेली और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए गई मंगोलिया में। तो मंगोलिया में मेरा वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल रहा था। जब दिवाली पे मेरे हाथ में पटाखा फूट गया था, तो उस टाइम पे मेरे को हॉस्पिटल में जब लेके गए थे, तो मैं डॉक्टर से मेरा दर्द भूल गई थी उस टाइम पे, और मैं डॉक्टर से पूछ रही कि 3 दिन बाद मेरी स्टेट चैम्पियनशिप है, क्या मैं खेल पाऊँगी। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बोला कि 3 दिन तो क्या, आप 3 महीने भी नहीं खेल पाओगे। और फिर 3 महीने तो क्या, मैं 6 महीने भी नहीं खेल पाई थी और मेरे हाथ की सर्जरी हुई थी उस टाइम पर। फिर 6 महीने बाद मैंने फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करी, तो एकदम से इतना मैंने रेस्ट कर लिया था, उसके बाद मुझे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैं मेरा बॉक्सिंग करियर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला कि आपके शोल्डर की सर्जरी करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे मुझे फील हुआ था कि अब मैं बॉक्सिंग में आगे नहीं जा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने सब रिहैब वगैरह किया और फिर 2018 में मैंने फिर से नेशनल चैम्पियनशिप खेला 75 kg में, और उस टाइम पे मेरा गोल्ड मेडल भी आया। 2019 में एशियन चैम्पियनशिप जो कि थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में, उस टाइम पे जो है फाइनल में मेरे वर्ल्ड चैम्पियन लड़की को मैंने बीट किया था और वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। क्योंकि किसी को मेरे से उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आ सकता है क्या, और उस टाइम पे मैंने गोल्ड मेडल लिया और वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट थी। उसके बाद जब हम ओलंपिक क्वालिफाई के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा उम्मीद किसी को नहीं थी कि मेरा क्वालिफाई भी हो सकता है या फिर ऐसे, तो वहाँ पे भी मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन वहाँ पे मैं बनी थी जिसने सबसे पहले जो है क्वालिफाई किया था। और उसके बाद में अभी फिर से जो 2021 में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई है, 19 में भी ऐसा हुआ था कि अकेला सिर्फ मेरा ही गोल्ड आया था, और अभी 2021 में भी एशियन चैम्पियनशिप में सिर्फ एक ही गोल्ड आया जो मेरा आया था। मैं हूं पूजा रानी बोहरा और मेरा अगला क्वेस्ट है इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना।